में आएगी और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पार्टी के संगठन में अपना हेर फेर करके और जो लायक है, जो संगठन को चलाने का जिनमें सलाहियत है, जिनमें तजुर्बा है, उन लोगों को आगे लाया जाए और उसके बाद में हमारे जो भूले बिछड़े साथी हैं उनको सबको इकट्ठे किया जाए। हमारा समाजवादी परिवार आज भी इतना मजबूत है। समाजवादी परिवार जो लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि वो नेताओं का फैसला है उसमें, मगर ये तरह तरह की मीडिया का वो है कि उसी हमारी बात को तो इतना उछालती ठिकाना नहीं है, लेकिन अपना जो कुछ उनका होता भाजपा वालों का उसको किस खूबसूरती से ये बताती है। देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है। समाजवादी पार्टी आज न पहले कमज़ोर थी, न आज कमज़ोर है, न उसकी वोट परसेंटेज कम हुई है और आने वाला चुनाव 2022 का भले ही समाजवादी पार्टी अलग अलग गठबंधन से, लेकिन उसके बाद भी जो है उसका आने वाला रिजल्ट देखना, ये मत देखो आप समाजवादी पार्टी के कुल मात्र 5 सांसद जीते हैं, 5 MP जीते हैं, ये देखिए कि ये वोट की परसेंटेज जो है हमारी, वोट की परसेंटेज हमारी इतनी डाउन नहीं हुई और ये 2022 में सब इकट्ठा हो जाएगा। पार्लियामेंट में ऐसा होता है 5 विधानसभा सीटें होती हैं, कभी किसी में जो कोई जातीय समीकरण होता, जिसमें कोई जातीय समीकरण होता किसी विधानसभा में, हमारा मंडल हम विधानसभा के प्रोजेक्ट में भी सबसे बढ़िया रहा, 13 सीटें हमने जीत के दी और उसके बाद में आने वाला जो क्या नाम अब इसमें पार्लियामेंट में भी 2019 में हमारे मंडल ने रिकॉर्ड तोड़ा और 6 की 6 ऐसा सिक्सर मारा कि पूरा वन भी पार गया। 6 की 6 सीटें, चाहे वो 3 बसपा की थी, चाहे वो उसकी थी, और वह ये अलग भी अगर हम लड़ते तब भी